रतन इंडिया पावर, अडानी पावर एंड टाटा पावर, हो सकता है कि आपको पोर्टफोलियो में ये तीनों में से कोई एक शेयर है या ये तीनों शेयर है, ये तीनों में से किसी भी शेयर को आप परचेस करने के बारे में सोच रहे हो। अभी यहाँ पर डाउनफॉल चल रहा है, ये तीनों में से कौन सा शेयर बेस्ट है आपको परचेस करना चाहिए, किस लेवल पे, सारा कुछ मैं यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पर आता हूँ रतन इंडिया पावर इस शेयर के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो रतन इंडिया पावर, ये जो शेयर है इस शेयर का फंडामेंटल पहले मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। फंडामेंटल यहाँ पर मार्केट कैप सही है, उसके साथ साथ पी रेशियो जो है पी रेशियो भी सही है, डेप्थ ऑफ इक्विटी ये भी सही है, अच्छा है इस शेयर का। उसके साथ साथ इसका आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी ये माइनस में चल रहा है। इसके साथ साथ इसका ईपीएस आप देख सकते हो अर्निंग पर शेयर ये भी सही है, मगर इसका आरओई माइनस में चल रहा है फर्स्ट। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर होल्डिंग्स को देख ले तो कौन सा शेयर होल्डर पैटर्न देखो, यहाँ पर रिटेलर एंड अदर्स जो है यहाँ पर सितंबर और दिसंबर, उसके साथ साथ मार्च कम गया, यहाँ पर रिटेलर और अदर्स जो शेयर होल्डर था ये कम गया, और यहाँ पर प्रोमोटर्स सेकेंड नंबर पे है। अगर किसी शेयर को परचेस करते हो तो वहाँ पर देख लेना कि वहाँ पर प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है वो नंबर वन पे होना चाहिए। इस शेयर में मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर आरओई जो है वो भी माइनस में चढ़ रहा है, और यहाँ पर रिटेलर और अदर्स शेयर होल्डर एक नंबर पे चढ़ रहा है, किसी भी टाइम ये माइनस हो सकता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस शेयर को परचेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मगर लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये शेयर कोई खास नहीं लगता है। उसके साथ साथ मैं शेयर में डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो शेयर का जो वॉल्यूम है, इससे बेस पे मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ। चलो ये मंथली चार्ट पैटर्न में यहाँ पर चल रहा है। अगर किसी शेयर पे मंथली चार्ट में आप वहाँ पर उसका वॉल्यूम जो है 4 से 5 ग्रीन बुलिश कैंडल सीएल वाइज आप देख पा रहे हो ना, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 शेयर वाइज बुलिश ग्रीन कैंडल मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, तो शेयर 100% एक लोअर सर्किट दिखा सकता है, और कितना तक नीचे ये शेयर गिर सकता है मैं यहाँ पर एक आइडिया आपको देने का कोशिश करता हूँ। ए रतन इंडिया जो शेयर है ए शेयर 13 तक गिर सकता है, मेरा एनालिसिस से यही लगता है कि यहाँ पर शेयर 13 तक पूरी तरह से गिर सकता है। अगर आप इस शेयर को परचेस करना चाहते हो ना, सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए ए शेयर को परचेस कर सकते हो, अगर ये इस 13 लेवल को टच करता है तो यहाँ से एक अपर सर्किट दिखा सकते हो। तो ये शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड मत करो, स्विंग ट्रेडिंग या एक दो मंथ के लिए इस शेयर को आप ले सकते हो, या पर 13 लेवल को पहले आने दो, उसके बाद आप इस शेयर को ले सकते हो। और नंबर टू में आता हूँ मैं यहाँ पर अडानी शेयर, देखो यहाँ पर अडानी जो शेयर है मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस शेयर का फंडामेंटल मैं पहले देख लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा है, अच्छा है, 100% एक ग्रेट मार्केट कैप है। उसके साथ साथ इसका जो पी रेशियो है वो भी सही है, डेप्थ ऑफ इक्विटी ये भी कम है, बहुत ही अच्छा है। उसके साथ साथ आरओई ईपीएस सब कुछ सही है, यहाँ पर इसका फेस वैल्यू 10 है। चलो मैं एक बात बोल देता हूँ कि फेस वैल्यू क्यों नेसेसरी होता है। अगर कोई शेयर स्प्लिट होता है, एक शेयर से 4-5 शेयर को ऑटोमेटिकली मिल गया, इसको स्प्लिट बोलता है। तो कोई भी शेयर अगर स्प्लिट होता है तो उसका फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा उसका फेस वैल्यू 10 है कि नहीं। अगर कोई शेयर का फेस वैल्यू 10 से कम है तो कभी भी वो शेयर स्प्लिट नहीं हो सकता। अगर वो 10 है आ गया इसका फेस वैल्यू तो ही वो शेयर स्प्लिट हो सकता है किसी भी टाइम। अगर आपके पास एक शेयर है तो 2-3 शेयर आपको ऑटोमेटिकली फ्री में मिल जाएगा। चलो और नेक्स्ट मैं यहाँ पर इसका होल्डिंग देख लेता हूँ। चलो देखो यहाँ पर शेयर होल्डर पैटर्न्स प्रोमोटर्स, इसका जो होल्डिंग प्रोमोटर्स है कितना ज़्यादा है। पहले मैं बोला था रतन इंडिया पावर जब मैं शेयर बोला था वहाँ पर उसको प्रोमोटर होल्डिंग देख सकते हो, और इसके साथ साथ मार्च प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है वो सही है, एक ही जगह पे है, कम या ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, ये एक ही जगह पे है। उसके साथ साथ इसका रिटेलर एंड अदर इन्वेस्टर देखो, यहाँ पर इसका पोजीशन देखो,
और रतन इंडिया पावर में उसका पोजीशन देखो, प्रोमोटर होल्डिंग्स देख सकते हो कितना ज़्यादा है। किसी भी शेयर को परचेस करने के लिए आपको फंडामेंटल्स थिंग्स आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना पड़ेगा, उसके बाद उस शेयर में टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पर अभी करने वाला हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पर इसका ये अडानी पावर जो शेयर है इसका टेक्निकल एनालिसिस मैं मंथली टाइम फ्रेम में मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। अभी मैं जो बोला कि मंथली टाइम फ्रेम में अगर किसी भी शेयर का जो कैंडलस्टिक है चारों बुलिश किन एक ही साथ सीएल वाइज आप देख पा रहे हो ना, तो शेयर पूरी तरह से गिरेगा। देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और शेयर पूरी तरह से गिर गया। आप देखो यहाँ पर चारों ग्रीन कैंडलस्टिक्स उसके साथ साथ शेयर पूरी तरह से ग्रीन किया। देखो यहाँ पर शेयर पूरी तरह से एक अपर सर्किट दिखाया, जो अपर सर्किट दिखाया उसके बाद यहाँ पर आप वॉल्यूम देख सकते हो। सीएल वाइज कोई भी किसी भी वॉल्यूम स्ट्रांग बुलिश कैंडल नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पर सीएल वाइज बुलिश कैंडल चार नहीं है, मगर शेयर अपर सर्किट दिखाया। सॉरी मेरा तबीयत आज ठीक नहीं है तो बात करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और किसी भी शेयर को परचेस करने से पहले आपको ये सर कुछ देखना पड़ेगा, यहाँ पर इसका वॉल्यूम से कैसे आप उसको मेजर कर सकते हो। शेयर अपर सर्किट लगाया मगर इसका वॉल्यूम देखो यहाँ पर सीएल वाइज नहीं गया, अगर सीएल वाइज जाता 4 तो शेयर पूरी तरह से गिरता, मगर यहाँ पर ये नहीं है। और ये शेयर अभी गिर रहा है क्योंकि अभी मार्केट भी गिर रहा है। मैं यहाँ पर लास्ट वीडियो में बोला कि सितंबर मंथ में क्यों शेयर गिरता है, शेयर क्रैश क्यों हुआ, मेरा लास्ट वीडियो देख लेना अच्छी तरह से, उसके बाद ये वीडियो में आना, अच्छी तरह से आपको समझ आएगा सारा कुछ क्यों मैं ये सारा कुछ बोल रहा हूँ। और उसके बाद देखो यहाँ पर शेयर इतना तक आया, अभी यहाँ पर 634 पे आया। चलो यहाँ पर मैं एक मेजर कर लेता हूँ अच्छी तरह से कितना तक गिर सकता है शेयर, मैं देख लेता हूँ एक स्केल से मैं देख लेता हूँ शेयर कितना तक गिरा था। 296.15 तक शेयर गिरा था, मगर इसका कैंडलस्टिक कितना अच्छा स्ट्रांग था। और ये जो शेयर है ये 296.16 ठीक है 296.15 मैं यहाँ पर ले लिया। देखो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है, मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ एशिया कितना तक गिर सकता है, 600 तक ए शेयर गिर सकता है और 15 सितंबर तक किसी भी शेयर गिरेगा। और क्यों मैं पहला वीडियो में पूरी तरह से डिटेल्स में एनालाइज करने का कोशिश किया, वो वीडियो जाके देख लेना। और ए शेयर 600 तक गिर सकता है, उसके बाद 100% एक अपर रैली दिखाएगा। अगर आपके पास ये अडानी पावर शेयर है तो आप एवरेज कर सकते हो 600 के आसपास। और उसके साथ साथ नेक्स्ट लास्ट टाटा पावर, चलो मैं यहाँ पर टाटा पावर में चले जाता हूँ। देखो यहाँ पर टाटा पावर जो कंपनी है, पहले मैं यहाँ पर इसका फंडामेंटल चेक कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर इसका फंडामेंटल्स, देखो यहाँ पर इसका मार्केट कैप अच्छा है और पी रेशियो देख के मुझे ये लगता है कि ये शेयर अभी आप परचेस कर सकते हैं इस शेयर को। और डेप्ट ऑफ इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा है 1.66 डेप्ट ऑफ इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा है। और उसके साथ साथ आरओई और ईपीएस ये भी सही है इस शेयर का और फेस वैल्यू 1 है इस शेयर का। ये शेयर स्प्लिट होने के लिए बहुत टाइम बाकी है अभी, क्योंकि फेस वैल्यू 10 होने के बाद ही स्प्लिट होता है। उसके बाद मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ इसका होल्डिंग जो है शेयर होल्डर पैटर्न्स। देखो यहाँ पर प्रोमोटर्स को होल्डिंग ज़्यादा है, किसी भी शेयर को आप परचेस करते हो तो वहाँ पर देख लो होल्डिंग्स आपको फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए प्रोमोटर्स का होल्डिंग, तो उस शेयर को आप परचेस कर सकते हो उस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए। देखो यहाँ पर प्रोमोटर्स का होल्डिंग ज़्यादा है और टाइम के बेसिस में मैं देखा तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग एक भी इसका जगह से हिला नहीं। मैं देखो मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ प्रोमोटर्स हिला नहीं, 46.86 हिला नहीं प्रोमोटर्स। उस टेक्निकल एनालिसिस कर लेता हूँ इस शेयर का। फर्स्ट मैं यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ ये जो टाटा पावर शेयर है। पहले मैं बोला यहाँ पर अगर आपका वॉल्यूम में देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बियरिस कैंडल स्टिक आपको दिखाई देगा तो शेयर पूरी तरह से गिरेगा। शेयर गिरा था यहाँ से, शेयर पूरी तरह से गिरा था और उसके बाद शेयर एक अपर रैली दिखाया। इसके यहाँ पर शेयर वाइज आपको बुलिश कैंडल दिखाई दे रहा है मगर इसका जो साइज है बहुत स्मॉल है, छोटा है बहुत। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही छोटा है, ये कितना बड़ा है और ये कितना छोटा है, तो ये गिरेगा मगर उतना नहीं।
गिरेगा। ये सारा कुछ आपको देख के कोई भी शेयर को परचेस करना चाहिए। देखो उसके साथ साथ मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ ये कितना तक गिर सकता है ये जो शेयर है। ये शेयर ज़्यादा गिरता नहीं है, 116.75। चलो फिर से मैं यहाँ पर भी मेजर कर लेता हूँ, 116.75। देखो यहाँ पर 355 तक ये शेयर गिर सकता है, मगर उससे भी कम गिर सकता है ये शेयर। मुझे लगता है कि ये शेयर इतना की तक ही आएगा। ये शेयर 400 तक गिर सकता है, अगर उससे ज़्यादा गिरा तो ही ये 356 तक गिर सकता है, मगर मुझे लगता है कि ये शेयर 400 तक ही गिरेगा, उसके बाद एक अपर रैली दिखाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नेसेसरी है। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडे इज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।